सो हे यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल TR07 राइडर। तो कैसे हो? तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, जो लास्ट ब्लॉग छोड़ा था उसके बाद बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स चल रहे थे। मेरा जो सेम है वो चल रहा था, फिर मेरे इंटरनल्स थे, तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा 4 तारीख को। अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है, 5 दिन का गैप है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं एक ट्रिप मारने जाऊंगा, वो भी सब कुछ ब्लॉग में आएगा, आप सबको सब कुछ अपडेट मिलता जाएगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सब कुछ अपडेट देता रहता हूँ, स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं जो मेरा NS लिया हूँ, तो आप सबको जैसे कि मैं बताया था कि मैं मेरा NS पूरा एकदम मॉडिफाई करवाऊँगा, पूरा एडवेंचर बनाऊँगा, एडवेंचर टूरर बनाऊँगा बाइक को, तो मैं वो कर दिया। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि बाइक में क्या क्या लगा है, कैसा दिखता है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और सब कुछ का रेट मैं आज नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा रेट, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा वो रेट के ऊपर। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या लगा है और बाइक कैसा दिखता है। तो चलिए, तो पहला जो एकदम फर्स्ट मॉडिफिकेशन मैंने करवाया वो है ये फ्रंट फेंडर, इसको बोलते हैं फ्रंट फेंडर। ये तो स्टॉक मडगार्ड है, उसके ऊपर मैंने एक लगाया फ्रंट फेंडर, जो एक सेक्सी लुक देता है बाइक को। जो ऑफ रोडिंग बाइक्स होते हैं, आप सब बाइक में आप देखे होंगे कि ऐसा फ्रंट फेंडर लगा हुआ है। तो ये है एक मैंने जो लगाया ये फर्स्ट लगाया था। फिर उसके बाद मैं लगाया ये आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स, ये आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स, वो KTM और बजाज डोमिनर RS 200 में जो लगता है वैसा टाइप का दिखता है, लेकिन थोड़ा रेट कम है इसका। मैं बजाज का जेन्युइन प्रोडक्ट लगाऊंगा कुछ दिन बाद। मैं ऐसे लगा के मैं देख रहा था कि कैसा चलता है, तो आपको इसको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इंडिकेटर को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चल रहा है इंडिकेटर। पीछे आपको दिखा देता हूँ, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है इंडिकेटर्स। फिर सेकंड जो मैं मॉडिफिकेशन करवाया वो है ये हैंडल, जो कि इस बाइक में सबसे यूनिक है। आप देख सकते हैं ये हैंडल बार, हम इसको बोलते हैं RD हैंडल, जो डर्ट बाइक या फिर हिमालयन वगैरह सब कुछ में ऐसा लगा होता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है, ये बार, ये वाला बार, इसको बोलते हैं हम, कह सकते हो कि ये हैंडल स्टेबिलाइज़र है। तो अगर आप हुईली वगैरह मारते हो, फिर जब हुईली ड्रॉप होता है नीचे, तो बाइक इधर उधर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा चीज़ दिया हुआ है, और इसमें प्रोटेपर का एक टैग लगा हुआ है। और मैंने इसको लगाया ये बजाज डोमिनर का जो क्लैम होता है हैंडल राइजर, वो लगा के, फिर ये यहाँ पे था मेरा स्टॉक हैंडल, उसको हटा के यहाँ पे बजाज डोमिनर का क्लैम लगा के, फिर उसको ऐसे ऊँचा करके ये लगा दिया यहाँ पर RD हैंडल। तो इसका अभी सीटिंग पोस्चर पूरा सीधा हो गया है, पहले जब था थोड़ा ऐसे टिल्ट होकर रहना पड़ता था, तो अभी एकदम पूरा एकदम सीधा पोस्चर होता है, चलाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है अभी ये बाइक। फिर ये स्टॉक मिरर्स है, मैं कुछ दिन बाद ये चेंज करूँगा, KTM का मिरर्स लगाऊँगा। और थर्ड मॉडिफिकेशन जो है वो है ये नकल गार्ड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं नकल गार्ड्स, दोनों साइड में सेम नकल गार्ड्स है, बहुत ही OP लगता है और बहुत ही सेक्सी एक लुक देता है, पूरा एकदम डर्ट बाइक जैसा, पूरा टूरर बाइक जैसा एक लुक देता है ये। तो इसका काम क्या है, अगर सामने से अगर सोचो कि कोई गाड़ी आके या फिर कोई बाइक आके आपको ठोकता है, तो आपको हाथ में नहीं लगता, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर आता है, ये टूट जाएगा, लेकिन आपका हाथ को कुछ नहीं होगा। ये है इसका यूज़। और वैसे इस ये लगाने में इसका लुक्स भी बहुत अच्छा आता है बाइक का। और आते हैं फोर्थ मॉडिफिकेशन में, फोर्थ मॉडिफिकेशन जो किया है वो है ये विंडशील्ड। तो विंडशील्ड ये बजाज डोमिनर का विंडशील्ड है, यहाँ पे एक होल करना पड़ा, मेरा मेन वाइजर पे एक होल करके फिर इसको लगाना पड़ा यहाँ पे। हालांकि अभी इसमें थोड़ा वाइब्रेशंस आते हैं, मैं डबल टेप लगा के फिर लगाया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ करना होगा कि वाइब्रेशन ना आए इस पर। और ये है फोर्थ मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे ये सब तिब्बतियन फ्लैग, ये सब कुछ तो ऐसे लगा देते हैं सब कुछ। और जो फिफ्थ मॉडिफिकेशन है वो है ये टॉप रैक या कैरियर, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, ये आफ्टर मार्केट एक कैरियर है, टॉप रैक है,
इस पे आप लगेज बांध सकते हो, ये लगेज बांधने का नीचे है। फिर यहाँ पे टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो। ये है टॉप रैक, और ये लगाने में मतलब अभी जो ये पूरा मॉडिफिकेशन हुआ है, बाइक थोड़ा बल्की लग रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा मोटा मोटा बड़ा बड़ा बाइक लग रहा है अभी। सांस चल रहा है मेरे को। तो ये था कुछ मॉडिफिकेशंस। हाँ, सेकंड सिक्स्थ है इसमें, दिखा देता हूँ आपको स्टार्ट करके, नहीं तो आप नहीं समझेंगे। अपर सिक्स्थ मॉडिफिकेशन है ये एलईडी लाइट, देख सकते हो ये अपर में है अभी। ये डिमर, लाइट भी मैंने चेंज करवाया। ये एक एलईडी लाइट है, और यहाँ पे मैं लगाया एक इंडिकेटर फ्लैशर, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैशर ऑन हो गया है, और फ्लैशर का स्विच मैंने यहाँ पे लगवाया है। जैसे यहाँ पे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ इस पे 21 टाइप्स के फ्लैशर होते हैं। ये रहा फ्लैशर, अब साउंड सुन सकते हो। ये सीट के नीचे लगा है, इस जो फ्लैशर का जो मेन मॉड्यूल है वो इसके नीचे लगा है। सामने से कुछ ऐसा लगता है फ्लैशर। ऐसा लगता है सामने से फ्लैशर। तो ये था कुछ मॉडिफिकेशंस, अभी आपको चला के दिखा। अभी हाँ, और एक चीज़ अभी क्या है ना, जो ये हैंडल पूरा मैं ऊपर कर दिया, और बाइक थोड़ा सामने से थोड़ा हल्का हो गया। अभी क्या ना, मतलब हुईली बहुत ईजी होता है, हुईली मारते ही हुईली हो जाता है। और लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, जब हुईली आप मारते हो या फिर कोई गड्ढा वगैरह आता है तो ये जगह टच हो जाता है, क्योंकि ये एकदम डिस्टेंस थोड़ा एकदम कम है। मैं कुछ जुगाड़ करूँगा इसको, इसको ऊपर उठाने के लिए। तो हुईली मारते टाइम ऐसा हो जाता है। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि यहाँ पे मैं लगाया हूँ, देख सकते स्टैंड पे ये चीज़ लगाया हूँ, वो KTM के आते हैं। तो ये लगाया मतलब अगर आप कोई मतलब नरम जगह पे रखते हो स्टैंड, बाइक अगर लगाते हो तो गिरने का चांसेस रहता है। अगर ये लगाओगे तो गिरने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ये एक लगाया, और ये है एक प्रो टेपर का एक गियर चेंजर, मतलब गियर कवर बोल सकते हो, जो आपको शूज़ प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए अभी जाएंगे, इसको चलाएंगे, चला के आपको दिखाऊंगा कि मतलब क्या, मतलब कैसा लगता है चलाने में, और सिटिंग पोस्चर वगैरह वो तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं एकदम सीधा बैठता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे पकड़ के पूरा सीधा बैठता हूँ। तो चलिए मिलते हैं मोटर ब्लॉग पे। मैं एक्चुअली मोटर व्लॉगिंग पे तो आ गया, लेकिन मेरे बाइक पे क्या नहीं है, पेट्रोल। तो अभी जा रहा हूँ थोड़ा पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल डलवाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, चला के दिखाऊँगा आप लोग को बाइक को। मैं तो चला लिया बाइक, बहुत चला लिया। तो अभी पेट्रोल नहीं है बाइक में, एकदम भी नहीं है पेट्रोल, क्योंकि मतलब मॉडिफिकेशन के बाद मैं बाइक को चलाया भी नहीं, थोड़ा सा मतलब चलाया, मतलब ज़्यादा नहीं चलाया, वो मेरे एग्ज़ाम से, इसलिए तो इसलिए पेट्रोल वगैरह कुछ डलवाया नहीं बाइक पे। तो अभी पेट्रोल डलवाऊंगा, फिर जाऊंगा इस बाइक को लेके गेड़ी मारने। ये हमारा विशालगढ़ का जो वो सब्ज़ी मंडी होता है, सब्ज़ी मंडी है। वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब और भी ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे। कितना छोटा जगह, इस पर भी लोग मतलब गाड़ी वगैरह सब कुछ घुसा देते हैं, चार पहिया छः पहिया ट्रक भी घुसा देते हैं यहाँ पे।
तो लाइन ज़्यादा लाइन भाई, थोड़ा तो लाइन है। यहाँ पे हर टाइम ये बस, मतलब क्या बोलो, हर जगह से कार रोक के रख देंगे, पूरा जैम लगा के रख देंगे, कुछ कर नहीं सकता। पुलिस भी पता नहीं क्या करते हैं। तो डन इसमें फ्यूलिंग, ये जाएंगे तो जैसे कि मैं बोल रहा था, अभी सीटिंग पोस्टर पूरा एकदम सीधा हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जो हैंडल था वो इस साइड में था, ऐसे था ऐसे, तो अभी पूरा ऐसे ऊपर उठ गया। पब्लिक रिएक्शंस तो मतलब बहुत मिलते भाई, पब्लिक रिएक्शंस ओपी बहुत मिलते रिएक्शन, क्योंकि ऐसा बाइक मतलब NS में ऐसा मॉडिफिकेशन विशालगढ़ में नहीं है कहीं पर भी। अगरतला में हाँ एक तो शायद है, फिर मेरा बाइक है, तो रिएक्शन तो मिलते हैं, रिएक्शन तो है भाई। जाओ जाओ अब जाओ। और ये भैया भी इंडिकेटर लगा, इंडिकेटर प्रेशर। और जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ही मतलब आपको मिल जाएगा, मतलब मुझे वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा फील होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अलग एक दो स्क्रू से सिर्फ लगा हुआ है। हालांकि मैं इसमें डबल टेप लगाया, फिर भी वाइब्रेशन दे रहा है, कुछ जुगाड़ तो करना होगा। मैं रात को थोड़ा अंधेरा होने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो LED हेडलैम्प्स है वो कैसा वर्क करते हैं अभी, और जो हैलोजन थे उससे ज़्यादा अच्छा है या फिर उससे कम, वो आपको थोड़ा अंधेरा होने के बाद आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। जो ये हैंडल में रेस किया ना, ऊपर उठाया, इसके लिए आपको मतलब पल्सर NS का जो स्टॉक क्या इसको क्या बोलते हैं क्लच केबल है वो नहीं होगा। पल्सर NS का क्लच केबल स्टॉक नहीं होगा, आपको चाहिए होगा कि ये जो एवेंजर क्रूज है, एवेंजर क्रूज का क्लच केबल चाहिए होगा, क्योंकि एवेंजर क्रूज का क्लच केबल थोड़ा लंबा होता है, और अगर आप हैंडल को ऊपर उठाते हो तो क्लच केबल जाहिर सी बात है थोड़ा लंबा चाहिए होगा, नहीं तो आप क्लच स्टिक से यूज़ कर नहीं पाओगे। यूज़ क्या मतलब, वो क्लच केबल लगेगा ही नहीं आपका जो बाइक मतलब नया हैंडल पे। एक्सीलेटर केबल जैसे कि आप देख सकते हो वो भी एकदम खींचा हुआ है, और अगर हम हैंडल को और थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो एक्सीलेटर केबल भी आपको चेंज करना होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं ये मैं पास मार रहा हूँ लाइट,
मतलब क्लियर है, मोर देन एनफ ब्राइट है इस छोटा मोटा ट्रिप के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कुछ फ़ोटो ले लेते थंबनेल के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, जो आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे रोनाल्डो__रोनाल्डो_, जो कि आ रहा है स्क्रीन के नीचे। चलिए ले लेते एक फ़ोटो। यही था आज का कार्यक्रम। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। और आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे चैनल पे, कौन सा वीडियो देखना चाहते हो मेरे बाइक के ऊपर। अगर आपको पब्लिक रिएक्शन चाहिए इस लुक के ऊपर, तो वो भी मैं बना दूँगा आपके लिए। और सपोर्ट करते रहिए, हम 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है, तो आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाएगा 2000 सब्सक्राइबर। खुली हो जाए बताया था, खुली बहुत ही मस्त होता है।